पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अजब की होड़ मची हुई है। सभी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और सभी अपने आप को जीत का दावेदार भी मानते हैं। यही जानने हर एक प्रत्याशी की हकीकत और विकास के मुद्दे पर नज़र रखने हम हर एक प्रत्याशी से बात कर रहे हैं और आपको ये सारी जानकारी सीधे पहुँचा रहे हैं। आप सिल टीवी पर मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है सत्यम और मेरे साथ मौजूद हैं जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत की प्रत्याशी लालवती देवी के पति घनश्याम मंडल जी। दो रीजन पहले ये खुद मुखिया भी थे इस पंचायत से और इस बार इनकी पत्नी प्रत्याशी है और चुनाव लड़ रही है। चुनावी मैदान में कैसा है इनकी, कैसी है इनकी तैयारी, कैसा चल रहा है इनका जनसंपर्क अभियान, किन मुद्दों पर होगा चुनाव, कितना है इनको अपने वोटरों पर भरोसा, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर, विषयों पर बात करेंगे इनसे। सबसे पहले घनश्याम जी, स्वागत है आपका सिल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर तक आए मेरे बारे में जानकारी के लिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घनश्याम जी, चूंकि एक रीजन आप इस पूरे पंचायत क्षेत्र के मुखिया रह चुके हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस क्षेत्र की जनता मुखिया जी के तौर पर जानती है, आपके कार्यकाल को देख चुकी है। पिछला इलेक्शन आपके फेवर में नहीं रहा, पिछला इलेक्शन आप कुछ मतों से पीछे रहे और हार गए। इस बार आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, चूँकि लेडीज सीट है, आप उसमें चारों बगल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, या फिर अपराध मुक्त समाज का मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा है इस बार? आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा है कि ये जो वर्तमान में मुखिया रहे, इनको आम जनता से कोई ताल्लुकात नहीं रहा, आम जनता को कोई ये सेवा प्रदान नहीं कर पाए। मैं सबसे मुद्दा, मूलभूत मुद्दा है कि मैं जनता के मुद्दा को लेकर हम उनके सामने हैं कि आपको जो मैं 5 साल पहले सेवा दिए थे और 5 साल ये रहे मुखिया, इनसे क्या सेवा आपको प्राप्त हुआ ये आप खुद जानते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने किया है कि पंचायत भवन का ताला सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही खुला, बाकी दिनों पंचायत भवन का ताला तक नहीं खुला। जनता को लेकर उनके सामने हम यही मुद्दा लेके पहले जाएंगे कि हम कितना आपके लिए कारगर थे और आज का जो प्रतिनिधि है ये कितना कारगर था। मतलब कुल मिलाकर आपका मुद्दा ये रहेगा कि जनता के मतों से अगर आप जीतते हैं तो आप जनता के बीच में रहकर काम करेंगे, पुराने प्रत्याशी या जो वर्तमान मुखिया हैं उनको लेकर आप बार बार यही बता रहे हैं कि वो जनता के बीच में नहीं थे। आप एक बात और, चूँकि आप एक रीजन मुखिया रह चुके हैं, आपको यहाँ की जनता अच्छे से जानती है, और आपके रीजन में क्या काम हुआ ऐसा जिस पर कि आप भरोसा करते हैं कि जनता आप पर दोबारा भरोसा करेगी और आपको वोट देगी? कोई ऐसा एक विकास कार्य, निर्माण कार्य, किसी तालाब, किसी पुस्तकालय का जीर्णोद्धार जो आपके कार्यकाल में हुआ हो, जनता को भरोसा नहीं हुआ पर आपने करके दिखाया, ऐसा कोई कार्य तो हमारे दर्शकों को बताएं, अपने वोटरों को बताएं। कैमरा में देखकर आप बात करें, ताकि कैमरा में देखने से होता क्या है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बता रहे हैं, तो लगातार कैमरा में देखकर बात करेंगे हम लोग। तो बताइए कि क्या ऐसा विकास कार्य हुआ जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे जनता को, जो आपके कार्यकाल में हुआ था? देखिए, मेरे कार्यकाल में कई ऐसे बड़े काम हुए जो जनता सोच भी नहीं पाया होगा, वो काम मैंने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय के अंदर एक पोखर है जिसका कि मैंने जीर्णोद्धार किया और उनसे आज हजारों जनता को लाभ है। वृक्षारोपण में जगदीशपुर पंचायत के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20,000 वृक्ष मैंने लगवाया जो आज भी हरा भरा है, ये बहुत बड़ा चीज था। और कई जगह चौपाल, रोड, नाले का तो हम लगभग 150 से ज़्यादा जगह पर मैंने काम किया, और कई जगह जो कचड़े पर था वो कचड़ा को मैंने दूर किया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि जगदीशपुर बाजार पे जो रोड निकला है गांव के तरफ, ये काफ़ी कचड़ा में था, यहाँ पर लोग परेशानी था कि पैदल चलने में, वो उसको मैंने पीसीसी का निर्माण किया। जगदीशपुर पंचायत भवन जाने वाला मार्ग वो भी कचड़ा से भरा हुआ था, उनको भी मैंने पीसीसी का निर्माण किया। जगदीशपुर ठाकुर टोला था, वहाँ भी मैंने पीसीसी का निर्माण किया। एक ब्राह्मण टोली है, यहाँ भी पीसीसी का निर्माण किया। कोला खुर्द में राजपूत टोला में कई पीसीसी का निर्माण किया, कई कुओं का जीर्णोद्धार किया, कई नाले का निर्माण किया। ये बड़े बड़े काम मेरे समय में हुआ है जो यहाँ की जनता हमको काफ़ी करीब से देखा है, मेरे काम को देखा है, मेरे विचार को समझा है, और किसी भी समय उनके लिए मैं
उपलब्ध रहता था। चलिए, ये तो हुई आपके कार्यकाल की बात। आपने अपने कार्यकाल में इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया, विकास कार्य करवाया, निर्माण करवाया। मैं जानना चाहूँगा जो अभी के वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल में क्या ऐसा कुछ हुआ, आप उनसे संतुष्ट हैं? चूँकि आप विरोधी हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई कमी दिखेगी, पर जो सच्चाई है इस हिसाब से आप बताइए कि आप संतुष्ट हैं अपने जनप्रतिनिधि से? एक आम वोटर के नाते आप बताइए कि आप अपने वर्तमान मुखिया से संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट के लायक उन्होंने काम नहीं किया है। वो अपने चहेते वार्ड में कहीं कहीं काम किया है जो आम जनता के साथ दुर्भावनापूर्ण रहा। ये बहुत ही अशोभनीय है किसी प्रतिनिधि के लिए। एक प्रतिनिधि के नाते उनको सभी वार्ड में सामान्य काम करना था, उन्होंने नहीं किया। आम जनता से दूरी बनाए रखा, कभी पंचायत भवन में अपना समय नहीं दिए, कभी आम जनता के बीच अपने समय नहीं दिए, इसलिए उससे मैं 5% भी संतुष्ट नहीं हूँ। आपके कार्यकाल में जो भी काम हुआ उससे आप संतुष्ट हैं, जनता आपके साथ हैं, आप ऐसा बता रहे हैं कि आपको जनता का समर्थन मिल रहा है। इस बार चुनावी मुद्दा आप लड़िएगा, इन मुद्दों पर लड़िएगा चुनाव कि आप समाज में जनता के बीच में रहकर कार्य करेंगे। क्या लगता है आपको, महिला रिजर्व सीट कहीं ना कहीं यदि आप खुद लड़ रहे होते और अभी आपकी पत्नी लड़ रही है तो आपको बेनिफिट कहाँ मिलता? महिला रिजर्व सीट होने के नाते आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है? ऐसा कोई बात नहीं, महिला सीट भी है तो हमारे पत्नी भी समाज सेवा से 5 वर्षों से जुड़, चूँकि आप एक कार्यकाल आप मुखिया रह चुके हैं, आपके काम से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, तो आप अगर खुद उस पद पर होते तो आप पर ज़्यादा विश्वास होता। देखिए, आज जिस तरह का सवाल आपका है, हम तो यहाँ के जनता को कहते हैं आपको डबल मुखिया का लाभ मिलने जा रहा है। एक तो हमारी पत्नी मुखिया बनेगा, उनसे आपको लाभ मिलेगा, मैं पूर्व में मुखिया रहा हूँ उनका भी आपको लाभ मिलेगा, यानी एक सीट पे डबल लाभ मिलने जा रहा है। और जनता को पता है कि मैं कितना सेवा उनका कर सकता हूँ, ये पूरी तरह यहाँ के जनता को भरोसा है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि जनता हमारे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। आप अंतिम सवाल और बड़ा अहम सवाल, छोटा सवाल है, यहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि किन मुद्दों पर आपको वोट दिया जाए? मैं यहाँ के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे वोट करें, मैं आपके लिए 24 घंटा सेवा के लिए तैयार हूँ। विकास का मामला जहाँ तक है उसमें जगदीशपुर पंचायत अव्वल रहेगा। स्वास्थ्य में हम कई बार हॉस्पिटल में भी जाके लोगों को सेवा दिलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर सप्ताह हम सभी विद्यालय का भ्रमण करते हैं और वहाँ के शिक्षकों को हिदायत देते हैं कि आप सही ढंग से शिक्षा प्रदान करें, इसको सरकारी को सरकारी नहीं समझें, ये आपका विद्यालय है। ये सब मेरे ऊपर शिक्षा का जो जिम्मेवारी यहाँ पर दिया गया था आम नागरिकों के द्वारा संभालने का, उनको बचाने का, मैंने उसमें बहुत सारा काम किया। आज भी मुझे भरोसा है कि जिस स्तर का लोग मेरे साथ है वो को मदद करेंगे और हम भी उनको सभी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। 29 तारीख को चुनाव होना है, 1 या 2 को रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, प्रचार प्रसार आपका चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है लगातार। आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा चुनाव इस बार? पिछले बार जात पात को लेकर कुछ ऐसा भेदभाव हुआ था, समुदाय को लेकर कुछ भेदभाव हुआ था, या फिर आपके पंचायत की जनता सिर्फ विकास को लेकर वोट करती है? देखिए, जगदीशपुर पंचायत की जनता जो अगले साल निर्णय लिया वो ये सोच के निर्णय लिया कि ये अमीर प्रतिनिधि है, इनके पास जाएंगे तो मेरा काम ऐसे भी हो जाएगा, उनको पैसे का कमी नहीं है, वो पैसे से मदद करेंगे, ये सोच के मन में आया। और हम गरीब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जस्ट उनको उल्टा पड़ा, उनको दर्शन भी दुर्लभ हो गया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी गरीब जनता है वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं कोई जाति बात भेदभाव की राजनीति में नहीं करता हूँ। मेरा समुदाय यहाँ सबसे कम है, बहुत कम आबादी में मेरा समुदाय है, लेकिन जिस स्तर का मुझे वोट देता है उससे कई गुना ज़्यादा देता है। मेरा समुदाय यहाँ लगभग 400 वोटर है और लगभग 1300-1400 वोट में पड़ता है। तो हमें सभी जातियों पे भरोसा है, मेरे पास कोई जातिवाद नहीं है, मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूं। मतलब आपका कहना है कि आपके प्रखंड की जनता इस बार विकास को देखकर वोट करेगी, क्या लगता है आपको? काम को देखकर वोट करेगी, जनप्रतिनिधि को देखकर वोट करेगी, या फिर पैसे वाला बात होगा, जाति वाला बात होगा, सामुदायिक समीकरण वाला बात होगा, या फिर साफ सुथरा चुनाव होगा और विकास और प्रत्याशी को देखकर वोट किया जाएगा? बिल्कुल, विकास और प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है।
वो जनता को पूरी बात समझ में आ गया है। 5 साल में जब जनता और प्रतिनिधि का मुलाकात नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि जनता से कितना दूरी बनाए थे। लोग जब उनके दरवाजे पे जाते थे तो 3 घंटा से पहले उनका मुलाकात नहीं होता था। तो जनता के मन में जो आक्रोश है और जो मेरा पहले लाभ लिया हुआ है, मेरा सेवा देखा है, मैं अपनी सेवा से संतुष्ट हूँ और जनता के व्यवहार से संतुष्ट हूँ, उन्होंने जो निर्णय लिया था अगले साल उनको पश्चाताप हुआ है और पुनः मुझे भरोसा है उन जनता पर कि हम पुनः वापसी करेंगे और अगले 2 अक्टूबर को जो रिजल्ट आने वाला है हमारी जीत सुनिश्चित है, मुझे जनता पर भरोसा है। बहुत बहुत चलिए, ये तो सही बात है, यदि आप जनता के मतों से जीतते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया, विधायक, सांसद, कुछ भी बनते हैं और जनता और आपके बीच में दूरी बढ़ जाती है, आपके और जनता के बीच में कोई पुल नहीं रहता जो आप दोनों को मिला सके, तो कहीं ना कहीं आपका मत खराब होता है, आपकी छवि खराब होती है। हमारे साथ थे घनश्याम जी, ये इस बार अपनी पत्नी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, इनकी पत्नी प्रत्याशी है, जगदीशपुर पंचायत में चुनाव लड़ रही है और ये समर्थन दे रहे हैं अपना। लगातार हर एक प्रत्याशी की सारी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं हूं सत्यम, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी हमारे चैनल पर। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।